लोकसभा चुनावों की सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी भक्ति के साथ सियासत का शोर जोरदार है, जो यूपी की ही नहीं बल्कि देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ऐसे में यहां बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि मथुरा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने तीसरी बार लगातार अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ कांग्रेस ने मुकेश धनगर पर दाव खेला है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुरेश सिंह को मथुरा के चुनावी दंगल में उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। हालांकि बीजेपी के टिकट पर हेमा मालिनी पिछले दो बार कमल खिला चुकी हैं और अब हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार मथुरा का सियासी समीकरण कुछ बदला है, क्योंकि बीते दो बार बीजेपी को चुनौती देने वाला राष्ट्रीय लोक दल इस बार एनडीए के साथ है और कभी हेमा मालिनी की हार चाहने वाले जयंत चौधरी इस बार हेमा मालिनी की जीत के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसे में हेमा मालिनी की जीत के दावे काफी मजबूत हो गए हैं, क्योंकि मथुरा में जयंत चौधरी की पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। चलिए यहाँ के राजनीतिक इतिहास को समझते हैं। हेमा मालिनी के हैट्रिक लगाने की कितनी संभावना है वो भी आपको बताते हैं। बता दें कि 19 के दशक में राम मंदिर के आंदोलन में बीजेपी का मथुरा में दबदबा बनने लगा। 1991 के चुनाव में साक्षी महाराज को जीत मिली, फिर 1998 और 1999 में बीजेपी के टिकट पर राजवीर सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2004 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मानेंद्र सिंह को जीत मिली। फिर 2009 के चुनाव में बीजेपी के समर्थन से आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने जीत हासिल की और 2014 के चुनाव में मोदी लहर दिखाई दी और इस सीट से बीजेपी की हेमा मालिनी ने तत्कालीन सांसद और आरएलडी के प्रत्याशी जयंत चौधरी को हराकर चुनाव जीता। फिर 2019 में हेमा ने सपा बसपा के साझेदार उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह को बड़े अंतर से हराया और 2024 में बीजेपी ने एक बार फिर आरएलडी के समर्थन के साथ हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि जब आरएलडी बीजेपी के खिलाफ थी तब भी मथुरा में कमल खिला था, इस बार आरएलडी तो साथ है। ऐसे में हेमा मालिनी की राह और आसान नजर आ रही है। चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ के जाति समीकरण पर। मथुरा सीट पर करीब 19,29,000 मतदाता हैं, जिनमें जाट बिरादरी और मुस्लिम वोटर्स का खासा वर्चस्व है। जाट मतदाता करीब 3.5 लाख हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3 लाख है। जाटव मतदाता करीब 1.5 लाख हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब 1.5 लाख है। मथुरा लोकसभा सीट पर वैश्य मतदाता करीब 1 लाख हैं, तो वहीं यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। अब जातीय समीकरण और पिछले 3 दशकों का राजनीतिक इतिहास तो बीजेपी के पलड़ा भारी करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सपा और कांग्रेस के साथ का कितना असर पड़ा है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, बीजेपी की हेमा मालिनी हैट्रिक लगाएंगी या सपा और कांग्रेस का साथ मथुरा में नई कहानी लिखेगा, ये हमें जरूर बताएं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।